बीटीएस न्यूज़ के लाखों देखने और सुनने वालों का बीटीएस न्यूज़ में स्वागत है। आइए देखते हैं आज के समाचार। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नखीब विलायत बैरिस्टर सदुद्दीन रवैसी रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद मुस्तदर कुलीन मजलिस इत्तेहाद अलउसबीन अली जिला अकबरुद्दीन रवैसी साहब एमएलए फ्लोर लीडर तेलंगाना असेंबली पीएससी चेयरमैन की हिदायत पर हमारे हरदिल अजीज़ कॉरपोरेटर्स अब्दुल वहाब साहब हफीज़ पटेल साहब अब्दुलरहमान शाह साहब की रास्त निगरानी में आज जोनल कमिश्नर ऑफिस पर एहतजाज किया गया। इसका मंशा और मकसद यह है कि पिछले साल कोविड-19 की वजह से तमाम ग्रेवयार्ड की जंगल कटिंग नहीं की गई। अब ये साल जो है वो साल और ये साल मिलाकर बहुत जाड़ा बढ़ गए हैं और कब्रस्तानों में सांपा ये जानवर वो ये निकल रहे हैं, जिसकी वजह से बल्दिया जो है आखिरी टाइम पे उसका टेंडर लगाती है, वो काम करते रहता है जो है लेबर वहाँ पे, और उसी दिन होली नाइट भी रहती है, मुतबरिक रात भी उसी दिन रहती है, बहुत परेशानी हो जा रही। इसलिए हम बल्दिया को फर्स्ट टाइम जो है इसका टेंडर देना जल्द से जल्द आइंदा महीने में और जल्द से जल्द सफाई करना बोलकर बल्दिया को जो है जाकर जोनल कमिश्नर से बात किए। और साथ ही साथ हमने जो बारकस इलाके में बाजार उत्तराखंड के इलाके में जहाँ जहाँ पे ओवरफ्लो ड्रेन हो रही है, यही हक साहब बोलकर है जो बिल्कुल एक एक महीना फ़ोन नहीं उठाते हैं, जिसको एस्टीमेट भी बनाना नहीं आता है, दूसरों से एस्टीमेट बनाने लगाते हैं, वैसे ही को हमारे पास रखे हैं जो लापरवाही और सौतेला सलूक करते हैं, उनके ताल्लुक से भी हमने शिकायत की। उसी वक्त हमारे को जोनल कमिश्नर के पीए गिरी बाबू मुलाकात किए और जोनल कमिश्नर चैम्बर में बात किए, उन्होंने कहा कि हम बेहद जल्द यानी कल से बारकस के जो सफाई के काम आए वो करवा देंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ जो है इमीडिएट टेंडर डालकर बारकस कब्रस्तान और तमाम कब्रस्तानों की सफाई का काम शुरू करेंगे। अगर नहीं होने की सूरत में, इसमें देर करने की सूरत में, इंशाल्लाह ताला हम जब तक जिंदा है, हमारी जान में जान है, जब तक हम इस बस्ती और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के लिए हक़ की आवाज़ को उठाते रहेंगे, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन आवाज़ उठाते रहेंगी। अगर इसके बाद नहीं होने की सूरत में हम हेड ऑफिस सुमेश कुमार सर जीएचएमसी कमिश्नर सर के पास भी जाकर बहुत बड़ा एहतजाज मुनज़्ज़म करेंगे। अपन जो है हर साल 250 जो है अपन उनको डे लाइट अरेंज करते हैं। अभी भी एम पी साहब मेरे साथ भी मेहमान खसूस बोले कारपोरेटर्स बोले वो 26 के बजाय वो लोग 331 कर दिए, तो 200 लाइट जो है डे लाइट का भी आपको इंतजार करते हैं मेहरबानी। और ये दोनों एड्रेस आपको दे रहा हूँ, आप आपके हाथ से थोड़ा ऊपर सब्जेक्ट लिख लीजिए क्योंकि मेरे को पैर में दर्द होने से मैं बराबर ले लीजिए। इसी के साथ ही ये समाचार समाप्त होते हैं। दुआ और उम्मीद यही कि आप जहाँ कहीं भी हों खैर आफियत से हों, आपकी हर सू खुशगवार हो और हर खुशगवार सू का अंजाम बखैर हो।
इन्हीं दुआओं के साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए BTS न्यूज़ और सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।